हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हमने जो डीएवी की क्लास 6th की बुक है वो जो स्टार्ट की हुई है, चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। उसकी सारी वर्कशीट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसमें करेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन वन करा, दो ही क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड, तो हम क्वेश्चन वन करेंगे। अमाउंट्स डोनेटेड बाय मिस्टर लाल एंड मिस्टर सोहन टू एन ऑर्फनेज आर रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन 2a² - 3b² + 6ab एंड 5b² - 2ab + 3a² रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे, पहले हमें इसका मीनिंग क्लियर करना है। दो पर्सन है, एक तो है मिस्टर लाल और एक है मिस्टर सोहन, दो पर्सन है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, अमाउंट्स डोनेटेड, उन्होंने कुछ रुपीस डोनेट किए हैं, ठीक है। कहाँ पर? ऑर्फनेज। ऑर्फनेज क्या होते हैं? अनाथालय, आपने सुना होगा। मीन्स जैसे जैसे आपके तो पेरेंट्स हैं, वो आपकी मीन्स हर जगह हेल्प करते हैं। आपका स्कूल में एडमिशन करवाना है, आपको बैग चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए, मीन्स आपकी हेल्प के लिए आपके पेरेंट्स हर टाइम तैयार हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते, मीन्स कुछ ऐसी कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, या तो वो कहीं गुम हो जाते हैं, या फिर मान लीजिए कि उन किसी के पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मीन्स उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता है, तो उन बच्चों को कहाँ रखते हैं? ऑर्फनेज में, अनाथालय में, ठीक है। तो ये जो मिस्टर लाल और मिस्टर सोहन है, इन्होंने क्या है वहाँ पर मनी डोनेट की है, ठीक है। और अब वैसे तो देखो मनी हमेशा कैसे रुपीज़ में डोनेट होगी, मीन्स 5,000 रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, ठीक है। लेकिन हमारा चैप्टर क्या है? अलजेब्रा है, ठीक है। तो उन्होंने अलजेब्रा की टर्म्स में कहा, ठीक है, कि मिस्टर लाल ने कितने डोनेट किए हैं, 2a² - 3b² + 6ab, ठीक है। और मिस्टर सोहन ने कितने, 5b² - 2ab + 3a², ठीक है। ये मिस्टर लाल ने और ये मिस्टर सोहन ने, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टोटल अमाउंट डोनेटेड बाय देम, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि आपको ये जो दोनों है, ये वाली मनी और ये वाली मनी, आपको टोटल अमाउंट बतानी है, ठीक है। तो हम ए पार्ट करेंगे, यहाँ पर हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट करना, तो मीन्स आपको ये दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड करना पड़ेगा, पहले वाला लिख लेते हैं, मिस्टर लाल ने जो डोनेट किया है 2a² - 3b² + 6ab, और मिस्टर सोहन ने डोनेट किया है 5b² - 2ab + 3a², ठीक है। अब हमें टोटल करना, तो ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा। आगे वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपके एडिशन वाले के, 2a² - 3b² + 6ab। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है, हमें पता है ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो अंदर के सारे सिंबल एज इट इज़ रहने देगा, मीन्स 5b² - 2ab + 3a². अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, यहाँ पर भी ए स्क्वेयर है और यहाँ पर भी ए स्क्वेयर है, ए की पावर 2 है, इसको आगे लिखो 2a² - 2 + 3a², लाइक टर्म्स इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। अब b² - 2 में इसमें भी है और इसमें भी है, -3b² + 5b² अब ये दोनों सिर्फ ए बी वाले हैं, इनको लिख लो +6ab - 2ab, ठीक है। ये वाली लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं और ये। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखो प्लस के 2 है ए स्क्वेयर और प्लस के 3 हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको लिखो +2 + 3, ए स्क्वेयर बाहर लिख दिया, ठीक है। प्लस यहाँ पर बी स्क्वेयर वाले आएंगे, माइनस के 3 हैं और प्लस के 5 हैं, प्लस ए बी वाले यहाँ लिखूँगी, प्लस के 6 हैं और माइनस के 2 हैं। डायरेक्ट करना है डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ब्रैकेट में लिखो, सीधा यहाँ से भी कर सकते हो। +2 और +3 कितने हो जाएंगे, +5, सेम साइन कीप एंड ऐड, प्लस यहाँ से इसका आंसर फाइंड करेंगे, +3 और +5, नहीं -3 है, -3 + 5 क्या होंगे, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, 5 बड़ा का सिंबल, +2b²
यहाँ से प्लस अंदर वाला एक्सप्रेशन सोल्व करेंगे, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 4, 6 बड़ा उसके आगे प्लस है तो प्लस ए बी, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दो, 5a² यहाँ से प्लस, सेम साइन है तो प्लस ही आएगा, 2b² यहाँ से भी प्लस, 4ab, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, हम लोगों ने बोला था कि टोटल आप ये बताओ कि कितना अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट ये आ गया, ठीक है। अब उन्होंने बोला ऑल्सो व्हेन ए इज इक्वल टू, व्हेन ए इज 100 एंड बी इज 150, फाइंड द टोटल अमाउंट। मीन्स आपको जब ये ए 100 है और बी 150 है तो भी आपको टोटल अमाउंट बताना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट अभी अभी हमने सोल्व किया था वो क्या आया था, 5a² 2b² प्लस 4ab। हम इसी फॉर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए की जगह रखना है 100 उसकी पावर 2 प्लस यहाँ पर रखना है 2, बी की जगह क्या रखना है 150 और उसकी भी पावर क्या है, देखो ए ऐसे लिख लो, ठीक है। ए रेस्ट पावर 2 था और बी रेस्ट पावर, तो मैंने ए को ब्रैकेट में डाल के पावर 2 कर दिया। ए की जगह 100 पावर 2, बी की जगह 150 पावर 2 प्लस 4, ए को ब्रैकेट में लिखो और बी को, ए की जगह 100 और बी की जगह 150, बस इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेना है, ठीक है। 500 रेस्ट पावर 2 है, 100 रेस्ट पावर 2 का मीनिंग है 100 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा, 4 जीरोस, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो मीन्स 4 जीरो, 10,000, ठीक है। प्लस 2, 150 का स्क्वायर मीन्स 150 मल्टीप्लाई 150, 15 को 15 से करते हैं, 225 और 2 जीरोस, ठीक है। प्लस 0 कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से 4, 1 और 15 रहेंगे, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करो, 1 से तो करने की ज़रूरत नहीं है, 15 को 4 से, ठीक है, 60। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 0 लिख लो पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 को 1 से करेंगे 5, प्लस 0 कितनी है, 2 0 ऐसे ही लिखो, 225 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 5s are 10, 2 2s are 4 प्लस 1 5, 2 2s are 4, 450, ठीक है, प्लस 60,000, ठीक है। इनको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे लिख के ऐड करेंगे, 5 के पीछे 4 जीरो हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 जीरोस और 45, 4 जीरो है और यहाँ से 6, इनको ऐड करना है, 0 0 0 5, 6 और 4 10 प्लस 5 15, ठीक है। तो कितना है, 1 5 5 और 3 जीरोस मीन्स 1,55,000 रुपीज़ है, तो आगे किसका सिंबल आ जाएगा, रुपी का, ठीक है। टोटल अमाउंट है ना, नहीं रुपी मत लगाओ, रुपी मत लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें रुपी नहीं दिया है, ठीक है, तो क्वेश्चन में कहीं रुपी नहीं दिया, एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन को सोल्व किया तो इतना आ गया, ठीक है। अमाउंट बोला उन्होंने, अमाउंट आ गया इतने, ठीक है। तो ये आपकी टोटल अमाउंट आ गया 1,55,000, हमें नहीं पता अभी रुपी है या डॉलर है क्या, हमें नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू इज डिपिक्टेड बाय देम। अब देखो मिस्टर लाल और मिस्टर सोहन है, उन्होंने हेल्प की है, ऑर्फनेज में जो बच्चे रहते हैं उन्होंने उनकी हेल्प की। अब आप ये देखो, ऐसे अपने इतनी सारी मनी कोई किसी को क्यों डोनेट करेगा, वो एक अच्छे पर्सन है, वो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने डोनेट किया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हेल्पफुल, हेल्पफुल, ठीक है, हेल्पफुल टू अदर लिख दो, हेल्पफुल टू नीडी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ और वैल्यू लिखना चाहते हो और भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन 1 हो गया है, इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 1 करवाया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू सो मच।